Hello student, today we are going to start your English grammar in standard 8. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें क्या क्या आया था कि हमने वर्ब देखा था, वर्ब की कितने टाइप है, टू टाइप है, ट्रांसलेटिव एंड इनट्रांसलेटिव एंड बीइंग वर्ब है, हैविंग वर्ब है, वो वर्ड भी आ सकता है वर्ब में। बीइंग वर्ब कौन कौन से थे, हैव एंड सॉरी इज एम आर वाज वेयर, वो क्या थे, बीइंग वर्ब एंड हैविंग वर्ब कौन कौन से थे, हैव हैज एंड हैड जो थे वो हमारे हैविंग वर्ब थे। वहाँ पर हैड कौन से टेंस में आता था, पास्ट टेंस में, एंड हैव एंड हैज जो था वो किस में आता था, प्रेजेंट टेंस में। ओके तो आज अभी हम देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज, उसकी मदद से हमें एक्सरसाइज लिखनी है कि वो वहाँ एक्सरसाइज वन में क्या है, नेम द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इफ द वर्ब इज ए ट्रांजिटिव वर्ब नेम द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। यहाँ पर हमें कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है वो लिखना है एंड उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो भी इधर हमने लिखना है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज वन। देखो फर्स्ट क्या है, द हॉर्स किक्ड द मैन, द हॉर्स किक्ड द मैन। तो आपको समझ में आपको पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, किक्ड, क्या है, किक्ड, एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, कोई नेम होता है तो नेम होगा, अगर कोई मैन वुमैन ऐसा कुछ होता है तो वो होगा। यहाँ पर क्या दिया है हमें, मैन, तो हमारा मैन जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके ये हमारा मैन जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर जो किक्ड है वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब एंड मैन जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके अब सेकेंड क्या है, सेकेंड हीज मदर गेव हिम सम मनी, हीज मदर गेव हिम सम मनी। तो यहाँ पर हमें देख के ही पता चल जाता है कि हमारा गेव है वो क्या है, सॉरी वर्ब है, एंड हीज सम मनी, तो मनी है वो क्या होगा, गेव जो है वो है हमारा वर्ब एंड हिम एंड मनी, यहाँ पर दो है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, हीम एंड मनी, ये दो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। वैसे लास्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगेन द फायर बर्न्स डिमली, क्या है, द फायर बर्न्स डिमली। तो यह हमारा बर्न्स है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है। आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया है, कोई वुमेन मैन ऐसा भी कुछ नहीं दिया है, तो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड बंस जो है वो हमारा क्या है, वर्ब। ओके अब नेक्स्ट, द बुल चेस द मैन, द बुल चेस द मैन। तो यहाँ पर मैन जो है वो क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके जैसे कि फर्स्ट में आया था हमें मैन आया था, तो मैन क्या होता, क्या हुआ था हमारा, ऑब्जेक्ट। वैसे ये मैन भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर वर्ब क्या होगा, तो चेस्ड जो है वो हमारा क्या है, वर्ब। वैसे नेक्स्ट, द कॉक क्रोज एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारा क्रोज एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमें दिया नहीं है, समझ में आया कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, एंड हमारा जो क्रोज है वो क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। वैसे नेक्स्ट, शीला सिंग्स ब्यूटीफुली, क्या है, शीला सिंग्स ब्यूटीफुली। तो सिंग्स जो है वो हमारा क्या होगा, वर्ब, क्या होगा, वर्ब, एंड यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है हमें, तो नहीं दिया है, दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया है। वैसे नेक्स्ट, सेवन नंबर, द मैन लाफ्ड लाउडली, क्या है, द मैन लाफ लाउडली। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो क्या आएगा, जो वर्ब है वो क्या आएगा, लाफ, लाफ जो है वो क्या होगा, वर्ब। इस नेक्स्ट एट नंबर, वी ईट थ्री टाइम्स ए डे, वी ईट थ्री टाइम्स ए डे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया है, ओनली क्या दिया है, वर्ब, क्या दिया है, वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारा, ये जो ईट है वो क्या होगा हमारा, वर्ब। ओके अब नाइन नंबर, ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैन ए लॉन्ग
दिस टेंस तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है हमारा रेन जो है वो क्या है हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो हमें कुछ दिया नहीं है तो इसीलिए ऑब्जेक्ट में क्या आएगा डैश। ओके अब नेक्स्ट 10 नंबर द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट तो यहाँ पर जो द पेशेंट ये पेशेंट है कोई मैन मतलब मानस है कोई व्यक्ति है इसीलिए हमारा ये जो द पेशेंट है वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एंड एग्जामाइन जो है वो हमारा वर्ब। ओके समझ में आ गया। अब 11 नंबर यू पास द एग्जामिनेशन यहाँ पर भी हमें कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और हमारा वर्ब क्या है पास्ट जो है वो क्या है हमारा वर्ब। ओके अब 12 नंबर रिवर्स फ्लो फ्रीली यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया नहीं है एंड क्या दिया है फ्लो तो फ्लो है वो हमारा क्या है वर्ब। सॉरी 11 नंबर में जो है एग्जामिनेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा पास्ट जो है वो हमारा वर्ब होगा एंड द एग्जामिनेशन जो है वो है ऑब्जेक्ट। ओके वैसे 12 नंबर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है एंड जो फ्लो है वो क्या है वर्ब। वैसे नेक्स्ट 13 नंबर द मनी क्लाइम्ड द ट्री एट वंस द मंकी क्लाइम्ड द ट्री एट वंस तो यहाँ पर क्लाइम्ड दिया है हमें देखता ही है जो क्लाइम्ड है वो है क्या है हमारा वर्ब एंड द ट्री जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके समझ में आया। अब नेक्स्ट 14 नंबर दे स्विचड ऑफ द लाइट्स क्या है दे स्विचड ऑफ द लाइट्स तो यहाँ पर स्विचड जो है वो क्या है स्विचड जो है वो है ऑब्जेक्ट एंड लाइट जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी स्विचड जो है वो है वर्ब एंड लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट। ओके अब नेक्स्ट 15 नंबर ए जेंटल वाइंड ब्लू ऑल नाइट तो यहाँ पर ब्लू जो है वो क्या है ब्लू जो है वो वर्ब क्या है वर्ब। वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है तो अब नेक्स्ट 16 नंबर ही पेड द मनी एंड लेफ्ट तो यहाँ पर पेड जो है वो है हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा मनी द मनी जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट 17 नंबर द पुलिसमैन ब्लू हिज विसर यहाँ पर जो ब्लू दिया है वो क्या है वर्ब क्या है ब्लू जो है वो है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है विसर। ओके नेक्स्ट 18 नंबर आउल्स हाइड इन द डे टाइम्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है इसलिए हाइड जो है वो क्या है हमारा वर्ब हाइड जो है वो हमारा वर्ब एंड हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। अब नेक्स्ट 19 नंबर द पोर्टर ओपन द गेट तो यहाँ पर जो ओपन है वो है क्या है हमारा वर्ब ओपन जो है वो वर्ब एंड द गेट वो है ऑब्जेक्ट। ओके द गेट वो है ऑब्जेक्ट एंड ओपन जो है वो है हमारा वर्ब। वैसे लास्ट A hungry fox show the bunches of grapes तो यहाँ पर शो जो है वो क्या है वर्ब क्या है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा तो the bunches of grapes ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है the bunches of grapes। ओके तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। क्या था एक्सरसाइज 1 में क्या करना था हमें ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमें फाइंड कर हमें लिखना था। आपको समझ में आ गया कि कैसे ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब हमें फाइंड कर सकते हैं तो आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी तो ये भी समझ में आ गया होगा। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वर्ब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो टू टाइप के कौन कौन से है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।